कांग्रेस के भागलपुर विधायक सह बिहार विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा समेत 7 अभियुक्तों को भागलपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को सजा सुनाई है। उन पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। यह मामला ईशा कटक थाना क्षेत्र में 3 नवंबर 2020 को दर्ज हुआ था। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कुछ लोगों के साथ चुनाव कार्य को बाधित किया था। आरोप सही पाए जाने पर कोर्ट ने सजा सुनाते हुए 1 साल की जेल और आर्थिक जुर्माना लगाया है। एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार सिंह की अदालत ने 4 जनवरी को कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा समेत 7 लोगों को निर्वाचन कार्य में बाधा डालने और सेक्टर पदाधिकारी तथा पुलिस टीम के समर्थकों के साथ घेराबंदी करने और पदाधिकारियों से बहस करने चुनाव कार्य में बाधा डालने के मामले में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है। बता दें, विधानसभा चुनाव के दौरान 3 नवंबर 2020 को भीखनपुर के पास चलंत मतदान केंद्र के दंडाधिकार पुलिस पार्टी को विधायक अजीत शर्मा पूरी जमात लेकर एक साथ शाम के 4:30 बजे पदाधिकारी का घेराव कर दिया था। तब अजीत शर्मा ने चलंत मतदान केंद्र के साथ चल रहे दंडाधिकारी वाल्मीकि कुमार से तू मैं भी की थी। अजीत शर्मा का यह कहना था कि उनकी गाड़ी में ईवीएम मशीन कैसे रखी गई है। उस समय दंडाधिकारी वाल्मीकि कुमार ने उन्हें समझाने का प्रयास किया था कि वह चलंत मतदान केंद्र आकस्मिक सेवा के लिए ईवीएम मशीन रखते हैं। हम लोग सेक्टर पार्टी है, जरूरत पड़ने पर उसे मतदान केंद्र पर मुहैया कराते हैं, जिससे मतदान करने वालों को किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन उस समय रहे प्रत्याशी अजीत शर्मा समेत कई लोग काफी हंगामा करने लगे। हंगामा करने लगे।